गर्मी का मौसम हो या फिर आने वाली बारिश का मौसम, ऐसे में बहुत लोगों को परेशानी होती है इचिंग को लेकर, खुजली को लेकर। दाद, खाज, खुजली का एक ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जो ज्यादातर लोगों को बारिश में हो जाता है। आज लाई हूँ एक ऐसा सही उपाय, एक ऐसा DIY जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मुक्त कर देगा। ज्यादातर ये जो दाद, खाज, खुजली होती है, ये फैलने वाली बीमारी होती है। जैसे कि हमने किसी एक दूसरे का नैपकिन यूज कर लिया तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हमने थोड़ी सी केयर नहीं की तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बारिश के गीले कपड़ों से ही ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए आज का वीडियो आप जरूर देखिए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। सबसे पहले बच्चों प्रिकॉशन की बात आती है कि अपना टॉवल अपने पास ही रखिए, मतलब टॉवल एक दूसरे का यूज मत कीजिए। नहाते टाइम कुछ बूंदे डिटॉल की जरूर डालिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। एक और बात बच्चों, अगर आपको कहीं इचिंग हो रही है वो इचिंग वाला हाथ कहीं दूसरी जगह मत यूज कीजिए, उसे आप वॉश कीजिए। कई बार खून सा निकलने लगता है, ये प्रॉब्लम से आपको बचने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। एक चौथा उपाय आपको और करना चाहिए जो कि वो है कबूतरों को लेकर। अक्सर हम लोग जब कपड़ों को बाहर कहीं टांग देते हैं, हैंग कर देते हैं, तो कई बार कबूतर आके बैठ जाते हैं। कबूतरों की पॉटी का ना इन्फेक्शन हो जाता है कपड़ों पर, तो इस बात का खास ध्यान रखा कीजिए। कभी भी आपके कपड़ों पर अगर कबूतर बैठा है तो उस कपड़े को या तो आप धो लो, या फिर अगर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है कुछ तो आप उसे प्रेस एटलीस्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ना उसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ये बिल्कुल अजमाई हुई ट्रिक है। तो आप कभी भी कबूतरों से थोड़ा इस मामले में दूर रहिए और ये थोड़े से प्रिकॉशन लीजिए। अब बनाते हैं DIY बच्चों। DIY बनाने के लिए आपको लगेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो वाकई इस प्रॉब्लम से हमें ठीक करेगी, तो उसके लिए मैं लाई हूँ करेला बच्चों। करेला जो ऐसा होता है जो सब्जियों की दुकान पे ठेले पे हमें मिल जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि करेला तो डायबिटिक मेंबर के लिए होता है, करेला तो कड़वा होता है, करेले की तो सब्जी बनाई जाती है। लेकिन करेले का इसमें क्या रोल है? रोल तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सब जब भी आप इस करेले को यूज़ करो, करेले को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कहूँगी टूथब्रश से उसको साफ़ कीजिए, क्योंकि ना आप एक इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस करेले को यूज़ कर रहे हो। आप कोई भी पुराना टूथब्रश हो तो उससे आप इस तरीके से पहले साफ़ कर लीजिए। मेरे पास तो एक किचन में ब्रश रहता ही है जो इन छोटे मोटे कामों के लिए काम करती रहती हूँ। उसके बाद धोने के बाद इस करेले को अच्छे से पोंछ भी लीजिए, क्योंकि आपने एक दवाई बना रहे हो, एक DIY बना रहे हो। अब क्या करना है, इसे आपको कट कर लेना। कट करके आपको मिक्सी के जार में डालना है। अगर लाल इसके वो बीज हैं तो उनको आप हटा दीजिए, अगर ये नॉर्मल वाले हैं तो उन्हें पीसने दीजिए और पीस के मिक्सी के जार में आप पीस लीजिए। याद रहे मिक्सी के जार में कोई मिर्ची विर्ची आपने पहले ना की हो। अगर ऐसा की होगी तो आप फिर मुझे कहोगे कि आपने बताया नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप स्किन के लिए एक DIY बना रहे हैं। पीसने के बाद इस तरीके का मिश्रण निकलेगा। अब आप क्या करेंगे, एक पतले कपड़े में या छन्नी में इसका जूस को निकाल लीजिए। देखा ना आपने, बिना पानी के हमें ज़्यादा करेला लगा लेकिन जूस निकल जाएगा जितना मुझे चाहिए, 2-3 चम्मच ही चाहिए। करेला जो होता है कड़वा होता है, लेकिन आपको इन्फेक्शन से मुक्ति दिलाएगा, जो अगर आपको प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। मेरे को छन्नी में बहुत अच्छे से उसका जूस नहीं निकल पाया तो मैंने ऐसे कपड़े में डाल दिया है। पतले कपड़े से जब आप स्क्वीज करते हो ना तो बहुत अच्छे से इसका जूस निकल जाएगा। ये पीने के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर आप डायबिटिक हैं तो। इसे पीकर फौरन से अपना नाश्ता कर लीजिए मॉर्निंग का, आपका दवाई का काम करेगा ये करेला। अब हमने दूसरा इंग्रेडिएंट लिया है कपूर की टिकियां, जो कि हमें मंदिर में ही मिल जाती हैं। मंदिर की वह पूजा घर में हर किसी को मिल जाएगी। कपूर की टिकियां नहीं है तो आप किसी भी पंसारी की शॉप से लेंगे, मिल जाएगी। उसको आप इस तरीके से हाथों से रब करते जाइए और वो बिल्कुल पाउडर चूरे की तरह हो जाएगी। आपने ये तो सुना ही होगा कि कपूर जो होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें ख़त्म करता है, जैसे कि बालों में अगर रूसी है तभी भी कपूर बहुत कारगर सिद्ध होता है। कपूर की मैंने टिकिया ले ली है 4 से 5 और उसमें मैंने डाला है नारियल का तेल। जी हाँ, नारियल का तेल। नारियल का तेल डालकर उसे अच्छे से पहले घोल लीजिए। जब कपूर बिल्कुल अच्छे से नारियल के तेल में मिल जाए तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया
DIY बन चुका है। अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो ये कपूर और नारियल तेल ही बहुत बढ़िया काम कर देगा। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। जहाँ भी आपको इचिंग हो रही है या कहीं भी हो रहा है कुछ प्रॉब्लम, आपको लग रहा है ये बढ़ ना जाए, तो आप बस कपूर और नारियल का तेल लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि कई दवाइयाँ ले चुकी हूँ और ये ठीक हो नहीं रहा है, ये बार बार उभर जाता है, तो आप इसमें करेले का जूस मिलाएं। ये देखिए, मैंने करेले का जूस मिलाया और जूस मिला के आप एक छोटी सी डिब्बी में बना के रख दीजिए और ना उसे आप मिक्स करिए। मिक्स होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि अलग अलग हो जाएगा ऑयल के साथ, लेकिन जब भी आप इसे यूज़ करें तो मिक्स करके ही यूज़ करें। ये करेला आपको कई सारे इन्फेक्शन से आपको दूर करेगा। बस एक छोटी सी शीशी में डालकर रखिए, जब भी आपको यूज़ करना है दोनों को मिक्स करना है। अब ये बहुत बढ़िया पावरफुल रेमेडी बन गई है। आप ये नानी दादी वाला नुस्खा है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। पैरों के उंगलियों में ये हो जाता है, कई बार ऐसे निशान चकते से बन जाते हैं, गर्दन के आसपास बन जाता है, पसीने आने की वजह से हो जाता है, बारिश की वजह से हो जाता है, बहुत लोगों को हो जाता है ये प्रॉब्लम। आप उन्हें दीजिए और सलाह दीजिए और आप ये जरूर बनाकर रखिए अगर आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। तो देखा ना बच्चों, आज आपने देख लिया कि करेला सिर्फ खाने की भाजी ही नहीं है, डायबिटिक मेंबर के लिए ही नहीं, ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। अगर प्रॉब्लम छोटी मोटी है तो करेले को यूज भले मत कीजिए, कपूर और नारियल का तेल, बस दो इंग्रेडिएंट ही काफी होते हैं।